नमस्कार दोस्तों, निर्माण स्पेशल में पंकज साथ तमारुं स्वागत करूं छुं। मित्रों, शियाळो बराबर जामे के ना जामे पण गुजरातना तमाम शहरों में रेफ्यूजी तिबेटियन स्वेटर बजारों आई पहुंचे। रखे मानता कि हमने मार्केटिंग की बात करूँ छूँ, गुजरातना तमाम शहर कीधा, पण पर्पज आनी पाछळनुं ए छे के तमे त्यां जईने भावताल करो छो, पण क्यारे एमनी जिंदगी में डोक्यू कर्युं छे के कई स्थिति में अहींया आवेला छे, शुं हालत छे एमनी, परिवार ने छोड़ी ने केम गुजरात में आवे छे, केम स्वेटर वेचे छे, आ लोको कोण छे, एमनो संघर्ष शुं छे। कदाच एवुं बने के वेल एज्युकेटेड पीपल्स जाणता होय, पण घणा खरा ना भी जाणता होय। तो आओ सौथी पहेला दलाई लामा कोण हता अने चीन साथे एमनो शुं संघर्ष थयो अने कया कारणे आ लोको रेफ्यूजी बन्या, भारत में आवी गया, पहेला एमनी वात सांभळीए। टिबेट एक वन ऑफ द वर्ल्ड में टॉप प्लेटू है जिसपे हमारा तिब्बत देश जो है बसा हुआ है। काफ़ी जब हम नए नए जब 1975 में जब हम यहाँ अहमदाबाद में जब हम बिजनेस करने के लिए आए थे, तब सबको मालूम नहीं था, तो लोगों ने हमको तरह तरह नाम से पुकारते थे, कोई नेपाली कहते थे, कोई चीनी कहते थे, तो अलग अलग नाम से हमको पुकारा ऐसा हुआ करता था। आज के डेट में काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को ये मालूम पड़ गया कि टिबेट एक अपना अलग सा देश हुआ करता था। चाइना ने 1959 में हमारा देश कब्ज़ा किया हुआ है, और यहाँ अहमदाबाद में जो पब्लिक है, जो हमारा मार्केट में आते हैं, काफ़ी हद तक अभी उनका जो बोलने का जो तरीका है बहुत बदल चुका है। एक ज़माने में नेपाली मार्केट बोला करता था, अभी सब लोग कहते हैं कि हाँ टिबेटियन मार्केट में सोडर लेने जा रहा है, ऐसा कहते हैं। मैं दिल से शुक्रिया करूँगा गुरुजी, हमारा परम पूज्य दलाई लामा जी के, उनके बिना हम लोग कुछ नहीं हो कर सकते, कुछ नहीं है। उनकी आशीर्वाद की वजह से अभी हमारा यहाँ मार्केट लगा हुआ है, और मैं कहना चाहूँगा अहमदाबाद का पब्लिक और अहमदाबाद का खास करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मैं दिल से हमारा अहमदाबाद के सोडर सेलर एसोसिएशन से धन्यवाद कहते हैं। आज तक उनके आशीर्वाद से हमारा ये मार्केट चल रहा है। पहले क्या होता था, हमारा जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तीन दरवाज़ा और ये लाल दरवाज़ा उसके पास में फुटपाथ पे हम लोग, हमारा जो पेरेंट है, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे माँ बाप वहाँ फुटपाथ पे बिजनेस करते थे। उस टाइम क्या होता था कि पुलिस आते थे और कॉरपोरेशन की जो स्टाफ आते थे, तो हमारा जगह फिक्स नहीं था, तो इधर भागना होते उधर भागना, बहुत सारे तकलीफ होते थे, और उसकी वजह से हमको कमाने को भी नहीं मिलता था। और आगे जाके हमारा जो बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन, उनके बुज़ुर्ग का जो हेल्थ का जो खर्चा होता है, ये सब बहुत मुश्किल से, एक ज़माना था कि हम लोग ने बहुत दर्द और दुख देखा है। अभी हमारा गुरु जी है और यहाँ का जो कॉरपोरेशन ऑफिस है जो, और ख़ास करके अहमदाबाद पब्लिक, सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों की वजह से हमारा मार्केट चल रहा है। अगर परिवार एक जगह पे साथ में नहीं रहता है तो उसमें दिक्कत होते ही है। जैसे मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, वो गांव में बैठा है, मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, तो इस तरह सबका अलग अलग कहानी होती है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, लेकिन पेट के लिए आप जाना पड़ता है कि एक दूसरे जगह पे जाए ताकि आप अपने फैमिली को आगे देख सके, उनके लिए सपोर्ट कर सके। तो ये हमको चाहे जितने भी मुश्किल हो वो हमको सामना करना पड़ता है। और ये इस बार जो कोविड का जो आया है कोविड का, तो वो हमारा ज़िंदगी में ऐसा एक दौर था कि हम सर्वाइव कैसे करें, ऐसा एक दौर आ गया था, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद है कि हमने सर्वाइव कर लिया है। तो हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना की महामारी जो है वो आगे से ना आए, सबको शांति से अपना जो भी काम करना है वो करने के लिए मौका मिले। और ये जो कोरोना के बीच में है, तो हमारे बहुत सारे लोग जो है रिफ्यूजी, ऐसा रिफ्यूजी हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारा इतना खास कुछ दूसरा बिजनेस नहीं होता है, वी डिपेंड ऑन दिस सोडर बाज़ार। सो एक साल तो हमको मौका नहीं मिला लगाने के लिए, वो भी एक तकलीफ हुआ, हाँ, लेकिन हमने छोटा मोटा बिजनेस किया, जैसे किसी ने चाय का दुकान पकड़ लिया अपने गाँव में, किसी ने किनारे का दुकान पकड़ लिया छोटा मोटा,
तो काफ़ी ऐसा कुछ मुश्किल दौर रहा है जो कोरोना के बीच में जो हुआ है। और मैं खुद एक फार्मिंग करता हूँ, एक फार्मर हूँ, एक फार्मिंग करता हूँ, उसमें भी बहुत सारे कोरोना की वजह से दिक्कत हुआ है। लेकिन अब भगवान से यही दुआ करेगा कि आगे इस तरह का मारामारी ना आइए। दलाई लामा हमारा जो अभी जो दलाई लामा है वो 14 दलाई लामा है, उससे पहले 13 और दलाई लामा आया हुआ है, ये 14 दलाई लामा है। और दलाई लामा सिर्फ एक नाम नहीं है, और वो ऐसा इंसान है कि पूरे विश्व में शांति का एक सैंपल है, एक सैंपल है। हर चाहे हमें हो, हमारा जो टिबेटन जो लोग है या किसी भी दुनिया में किसी कोने पे जो लोग रहते हैं, उनको हमेशा शांति का एक संदेश पहुंचाता है। तो वो सिर्फ हमारा बुद्धिस्ट का एक गुरुजी या टिबेटन का गुरुजी नहीं, वो पूरा विश्व का एक मुझे लगता है एक टीचर है जो शांति के लिए काम करते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गया, हमारा जो महात्मा गांधी हो गया, तो ये सब एक विश्व गुरु है कि सबको शांति। और दुनिया में शांति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकते। अब शांति है तो दुनिया में प्यार है तो एक दुनिया, एक हमारा जो दुनिया जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो इन जो हमारा जो गुरुजी है, महात्मा गांधी है, नेल्सन मंडेला है, उन लोगों का आशीर्वाद है कि अभी तक ये दुनिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, शांति पे एक विश्वास रखते हैं आगे जाके। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि सब शांति से जिए, एक दूसरे को सहयोग करें। तो आज बात करिए छे रेफ्यूजी तिबेटन स्वेटर बाजार ना नगरजनों की, जे कया संजोगों में तिबेट भारत में भळ्यु एनो चीन ने एटलो गुस्सो आयो कि एने केटली हैरानगति उभी करी तिबेटियनों पर। तमे नहीं मानो, अपना लश्कर में एक गोरखा रेजिमेंट छे जे आपणे भाडूती लश्कर लईए छे एमनुं, ए लोको आपणा देश माटे खास करीने पेराट्रूपर में तो गोरखाओ ज होय छे। पेराट्रूपर ने खबर है, हेलिकॉप्टरमांथी जंप मारनारा, विमानमांथी कूदनारा, એમાં તો ગોરખા રેજિમેન્ટ હોય છે। દેશ માટે જાનની બાજી લગાવનારા લોકો છે, કયા સંજોગોમાં એમને સ્થળાંતર થવું પડ્યું, કઈ સ્થિતિ થઈ, એમની પીડાઓ વિશે જાણીએ। હમ લોગ રિફ્યુજી સનાતી હૈ તો હમકો યે તો ઉઠાના પડેગા। તો હમારે જૈસે કે સનાતી સબ કોઈ કર્ણાટક મેં રહેતા હૈ, કોઈ હિમાચલ મેં રહેતા, અલગ અલગ રહેતા હૈ, તો હમ લોગ મિલજુલ કે આ જાતે હૈ। જૈસે કે હમ યહાં હૈ, જૈસે હિન્દુસ્તાન સારે શહેર મેં તિપતી હૈ, सब मिलजुल के आते हैं। तो हम गुजरात में हैं तो हम गुजरात में हैं, गुजरात में ही है। जैसे हम अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद में एक दो साल से पहले हम कालूपुर में थे, रोड पे थे, इसके बाद हम तीन दरवाजा रोड पे थे, और इसके बाद 1988 में हमारा ये एसोसिएशन नया बना। कितनी दिक्कतें झेली, दिक्कत तो बहुत झेली, हम सड़क से लेकर दिक्कत झेल के आ रहा हूँ। दिक्कत हमने भी, हमसे ज़्यादा हमारे पिता माता ने झेली। वो लोग 1968-70 से यहाँ था, तो वो लोग जब तीन दरवाजा से मोती महल से शुरू किया तो यहाँ तक दिक्कत जेड़ी है, क्योंकि हम लोग पहले सड़क में थे तो पुलिस की दिक्कत थे, सब कुछ दिक्कत थे सब। उस वक्त हम लोग बार्गेनिंग थे, बहुत सारे उस सब तो बहुत तकलीफ थे, उस सब तो कुछ भी नहीं थे। हम पैसे दुकानदार तो होता ही नहीं था। हम लोग पहले से शुरू से जहाँ माल लाता था वहाँ माल नहीं है, हमें पता नहीं। और ख़ास बात यह है कि हमारे लोगों को हिंदी बात नहीं आती, क्योंकि बुजुर्ग है तो हिंदी बात, गुजरात की बात दूर की बात, हिंदी भाषा भी नहीं आती था। तब बहुत जेड़ी है, तब जेड़े 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 तजुर्बा करते करते तो हम लोग तीन दरवाज़ा तक आए। तीन दरवाजे में थोड़ी बहुत हम हिंदी गुजराती थोड़े मालूम थे। इसके बाद 1998 में हमारा नया एसोसिएशन बना, तब से हम लोग ये आपके म्यूनसिपलिटी ने ना हमको जगह दी, तो हमको ये फिक्स रेट बनाने वाले सब उन्होंने कहा था कि ये गुजरात की पब्लिक बहुत अच्छे पब्लिक है, इनको आप बार्गेनिंग वगैरह वगैरह मत करो, फिक्स रेट रखो, इसीलिए फिक्स रेट रखो, इसलिए हम लोग फिक्स रेट रखे थे। तो कहना चाहता हूँ कि वैसे कि लगभग दो साल से तो कुछ बिजनेस किया नहीं, और हमारे जो सोल जो हमारा जो इनकम सोर्सेस रहता है वो ज़्यादातर यहीं से रहता है, और आउट ऑफ 100% 95% पॉपुलेशन जो है जो डिपेंड करते हैं स्वेटर के ऊपर ही। तो दो साल से हमारा जो बिज़नेस नहीं हुआ तो काफ़ी हमें इम्पैक्ट पड़ा, वो भी काफ़ी बुरा पड़ा। तो इसीलिए इस साल जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग हो गए, जो थोड़े कम उम्र के बच्चे हो गए, जो 18 टीन एजर के नीचे होते हैं, वो कभी कोई भी ज़्यादातर यहाँ आया नहीं है कोरोना काल की वजह से। क्योंकि हमारे जो इस काल में हमारे जो कोई बुज़ुर्ग भी यहाँ हमें छोड़ के भी गए हैं,
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर इस साल काफ़ी कम फैमिली आया हुआ है सर जी। पहले जो मैं फैमिली के साथ आता था तो उस समय कैसा रहता कि फैमिली होगा तो कोई बुज़ुर्ग रहे तो माता पिता होगा तो खाना पीने का कोई टेंशन नहीं रहता था। तो इस साल कैसा हो गया कि एडल्ट ज़्यादातर जो ओल्ड एज जो आए नहीं है उसकी वजह से खाना खुद बनाना पड़ता है। सुबह 8 बजे जागना पड़ता है, खाना बना के पैक करके लंच पूरा यहाँ रेडी करके उसी समय ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है। तो मेरे जैसा कि मेरा कोई हेल्पर नहीं है, मैं और मेरा जो हेल्पर दो ही बंदे हैं, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस साल। और जैसे कि सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे पब्लिक के पास वैसे कोरोना काल की वजह से पैसा भी काफ़ी कम है लग रहा है, तो इसी वजह से बिजनेस में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है सर जी। जरे एक देश में तमने परेशान करवामां आवे, तमने हैरान करवामां आवे, तमारी पासे रोजी रोटी ना होय त्यारे मानवी स्थानांतर करे छे। स्थानांतर करीने नजीकना कोई स्थले पहुंचे छे। एने कारणे तो आपणे त्यां खेडूत छे, ए खेडूत मरीने फेक्टरीनो कर्मचारी बनी जाय छे, कारण के खेतीमां एने मोज ना रहेवाथी जमीनने पड़ती मूकी ए पोताना बिस्तरा बांधीने शहेरमां आवे छे, नजीकनी फेक्टरी के कारखानामां कामे चढ़ी जाय छे। एम तो खेती बर्बाद थई रही छे। एज परिस्थिति आ तिबेटियन लोकोनी थयेली के जे स्थितिमां ए आ संघर्षमां भारत साथे रहेवाना संघर्षने कारणे मुकाया, एना कारणे एमने आ विचार आव्यो कि आपणे कोई व्यवसाय एवो पसंद करीए, एना कारणे आपणे अहींथी स्थानांतर थईए अने वर्षभर चाले एटलू पेट्यू रळवा माटे प्रयत्न करीए। आवो एमने जाणवा प्रयत्न करे कया संજોગોમાં એમને સ્થાનાંતર કરવું પડ્યું। અભી ક્યા હે હમારો જો તિબેટિયન રેફ્યુજી સ્વેટર બજાર જો હે અભી 32 સાલ સે લગ રહા હે। इससे पहले हम तो 3 दरवाजे में उस दुकान की भी साइड में बैठता है। हमारा जो बुज़ुर्ग जो है पेरेंट्स जो है ऐसे तकलीफ से ऐसे के फिर बाद में अभी 1989 में जो मार्केट फाउंड किया, एसोसिएशन फाउंड किया, तब ये मार्केट लगना शुरू हुआ। तब से फिर अभी फुल बाज़ार में लगाया, थोड़ा तकलीफ हुआ ऐसे ऐसे करके अभी सब तकलीफ से के अभी थोड़ा मतलब थोड़ा कंडीशन अच्छा पे आया। वैसे अभी हमारा जो टिबेटन मार्केट जो है अभी 4-5 साल से अभी 2 जगह लगा रहा है, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन जो है बड़ा है और पहले जो म्यूनसिपल्टी का जो ग्राउंड जो है सस्ते में और बड़े में मिलते हैं, हमें कंसेक्शन रेट पे मिलता है। अभी जो उसका म्यूनसिपल्टी का जो प्रोजेक्ट की वजह से अपना वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से और जो प्लॉट वगैरह सब मतलब उनका प्रोजेक्ट का काम पर लग गया, फिर हमारा वहाँ नहीं मिला, ऐसे ऐसे करके अभी रिवर फंड में पहुँच गया। रिवर फंड तो वैसे इसका रेंट वगैरह ज़्यादा है, इसके कंसेशन के लिए हमने एप्लीकेशन भी डाला है, सीएम से मिलके कंसेशन के लिए डाला हुआ है। अभी मार्केट 2 जगह लगता है, एक है यहाँ पे रिवर फंड में, दूसरा है हेलमेट सर्किट टिबेटन रेफ्यूजी मार्केट जो अहमदाबाद है, 2 ही जगह लगाते हैं। फिर अभी क्या है हमारा यहाँ पे 110 करीब इतना के फैमिली होते हैं जिनका पर्यावरण का इनकम यही मेन यहीं पर डिपेंड है। बाकी का हम वहाँ पे जो थोड़ा बड़ा खेती बाड़ी करते हैं और थोड़ा बड़ा जो अपना जो क्या बोलते सर्विस वर्विस करके छोटा मोटा काम करके हाँ जब हाँ ज़्यादातर यही यही पे डिपेंड है। यही जो जो सोर्स ऑफ इनकम है बच्चे का और के स्कूल फीस वगैरह उनका खर्चा जब सब फैमिली का खर्चा सब यहीं से होता है। जो अभी 2 साल हुआ है अभी दो कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत पड़ गया, लास्ट ईयर हमको आ नहीं सका, बाकी बड़ी स्ट्रिक्ट था, लॉकडाउन था और महामारी थोड़ा ज़्यादा भी था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि ना जाए। अब इस बार थोड़ा कम है, वैक्सीन लग गया, सब ने वैक्सीन लगा हुआ है, इसलिए उसका फिर भी डरते डरते आ गया। अभी यहाँ परमिशन भी मिल गया, अभी दुकान भी लगा है। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स ठीक था, फिर अभी बिल्कुल अभी शांत जैसे हो गया, थोड़ा कम हो गया, कस्टमर कम हो गया, अभी थोड़ा धंधा पानी भी नहीं है, ऐसे तकलीफ में है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि अभी थोड़ा सा ठंडी हो जाएगा, कस्टमर आएंगे और काम भी चलेंगे। तो आज बात करिए थे रेफ्यूजी तिबेटियन नहीं, आपने जानी हो कि हमने स्वेटर बाजार केम चालू कराया, अने हवे आपणे ये जाणवानो प्रयत्न करिए कि आ रेफ्यूजी तिबेटियन छे ए ज्यारे कोई शहर के एनी अंदर आईने वसे छे त्यारे एमने केटली केटली विपरीत परिस्थितिओनो सामनो करवो पड़े छे। अजाणू शहर, अजाण्या माणसो एमनी वच्चे आवे छे अने ए कई रीते पोतानुं व्यवस्थापन करे छे एना विशे जाणीए। सौथी पहेला तो आ लोकोने कोई तिबेटी समजता ज नहोता,
લોકોને એમ કાં ચીના છે, નેપાળી છે, કાં તો કે સિક્કિમથી આવ્યા છે. તિબેટ શું છે કોઈને ખબર નથી, એ બહુ જ નિર્વિવાદ હકીકત છે. 1949માં ચીને તિબેટ લઈ લીધું, ડ્રેગન છે ચીન, તિબેટ લેવાની વાત, તાઇવાન લેવાની વાત, અરુણાચલ પ્રદેશ લેવાની વાત. એટલે 1949માં તિબેટ લઈ લીધું, જેના પરિણામ સ્વરૂપ તિબેટના દલાઈલામાંથી લઈને સમગ્ર પ્રજા એ નિરાશ્રિત થઈને ભારતમાં આવીને વસી. અને ભારતની સરકારે ત્યારથી લઈ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સુધી તમામ સરકારે એમને રેફ્યુજી તરીકેની તમામ સવલતો આજ દિન સુધી પૂરી પાડે છે, કારણ કે ભારત અતિથિ દેવો ભવમાં માને છે. આ જ કન્ટેન્ટ પર, આ જ બેઝ પર આજથી 25 વર્ષ પહેલાં આ લોકો બિચારા રોજગારી મેળવવા આવતા હતા, પણ પોલીસની કનડગત, કારણ કે રોડ પર ઊભા હોય પોલીસ બી કાયદાની અનુરૂપ જે થતું એ કરે. પરિણામ સ્વરૂપે એક સંગઠન ઊભું કર્યું અને એ સંગઠનના પ્રતાપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સૌથી પહેલું એમને બજાર જમાલપુર ફૂલ બજારે આપ્યું. ફૂલ બજાર પહેલાં હતું ત્યાં જમીન, ત્યાં આપ્યું. પહેલું માર્કેટ ગુજરાતમાં અમદાવાદનું 1987-88ની આસપાસ ત્યાંથી શરૂ કર્યું. તો આજે ગુજરાતના બરોડા, સુરત, આણંદ, ગાંધીનગર જેટલા બી મેટ્રો સિટી, ત્યાં દરેક ઠેકાણે તિબેટિયન સ્વેટર માર્કેટ આજે એક એની આગવી ઓળખ બની ગઈ છે. હવે રહ્યો નંબર સવાલ બે, કે ભાઈ આપણે મદદ કરવાની ક્યાં જરૂર છે, આપણે શું લેવા દેવા. કેટલાક લોકોના મગજમાં એવું હોય કે આ તો ચીના હોય, એક તો ચીના હોય આપણો પ્રદેશ લઈને આપણે એમ જોડેથી ખરીદવાનું. ચીનને આને કોઈ જ લેવા દેવા નથી. ચીને તો એમનો પ્રદેશ આખે આખો દેશ ગળી ગયા છે. અને તિબેટની આઝાદીમાં જ ભારતની સુરક્ષા છે. એક રાષ્ટ્રવાદી તરીકે, એક રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા તરીકે આપણે એમને સહયોગ કરવો જોઈએ. એમની દેશની સ્વતંત્રતા થશે તો ચીનની બોર્ડર આપણાથી દૂર જશે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે જે ડિફેન્સનો ખર્ચો છે દેશને એ ઘણો ઓછો થશે. અને એ પૈસો બીજા માળખાકીય સુવિધા, બીજી મેડિકલ સુવિધા કે તમામની અંદર આપણે એ રૂપિયા ખર્ચી શકીશું. એટલે માત્ર ને માત્ર તિબેટની આઝાદી, ભારતની સુરક્ષા એ સંદર્ભે એ વિચારધારાથી આની જોડે જોડાયેલા છે. બીજો મહત્ત્વનો મુદ્દો, કૈલાસ માનસરોવરની મુક્તિ. તમે આજે પણ હિન્દુ સમાજના લોકોને ભગવાન શિવની આરાધના, સ્તુતિ, અર્ચના કરવા માટે કૈલાસ માનસરોવર જવા માટે $500 પર હેડ ચૂકવવા પડે છે. એ બી એ કહે એ રીતે જ, એમની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન પ્રમાણે ચીનની, કારણ કે તિબેટ એણે લઈ લીધું, પહેલાં એ તિબેટમાં હતું. આજે જો તિબેટ આઝાદ થશે તો કૈલાસ માનસરોવર મુક્તિ થશે, લોકો ભગવાન શિવની આરાધના બી કરી શકશે વિના સંકોચે, વિના કોઈ પણ પ્રકારના આર્થિક વગર. આવા તમામ રાષ્ટ્રવાદી મુદ્દાને સહયોગ કરવા માટે ભારત તિબેટ મૈત્રી સંઘ છેલ્લા 1956થી આ રીતે કાર્ય કરી રહ્યું છે, આગળ બી કરી રહ્યા છે. વી શેલ ઓવરકમ, એ હમ હોંગે કામયાબ, એક દિન હોંગે કામયાબ. અમે ઈચ્છીએ કે આ માર્કેટ ગુજરાતમાં ક્યાંય ના વાપરાય, ભારતમાંય ના થાય, જલ્દી એમનો દેશ આઝાદ થાય, ભારતની સુરક્ષા વધે, કૈલાસ માનસરોવર મુક્તિ થાય, બસ એ જ પર્પઝથી એમની જોડે જોડાયેલા છે. યહાં મેં 3 મહિના કે લીએ સ્વેટર કે સ્પેશિયલ આતા હું. લાસ્ટ ઇયર તો લોકડાઉન હો ગયા થા, ઉસ ટાઈમ બહુ દિક્કત હો ગઈ, ગાંવ મેં ભી દિક્કત હો ગયા થા, ઓર બિઝનેસ તો નહીં આ સકતા થા ના, તો ગાંવ મેં બહુ દિક્કત હુઈ, ફેમિલી સબ મેં મોનિટરી કા દિક્કત ભી હુઆ થા. તો ઇસ બાર તો થોડા હમ લોગ સબ ઉમીદ કરકે 2021 હે ના ઇસમેં યહાં બિઝનેસ કરને આયા થા, તો યહાં વહાં મેં ભી કોરોના થોડા થોડા હૈ, અભી યહાં મેં તો થોડા કમ જૈસા હૈ. ઓર યહાં મેં ક્યા ડિફિકલ્ટી હૈ કે અભી થોડા કસ્ટમર કમ આને કો આયા હૈ, ક્યુંકી થોડા ગરમી હૈ ના ઇસ કી વજહ સે. લેકિન હમ લોગ હોપ કર રહે હૈ કે ડિસેમ્બર અચ્છા મહિના પ્રૂફ કરે, ક્યુંકી ઠંડા શરૂ હોયગી તો હમરા બિઝનેસ ભી અચ્છા જાયેગા ના, બિઝનેસ અચ્છા જાયેગા તો હમ લોગો ભી પ્રોબ્લમ થોડા સોલ્વ હો જાયેગા. અને ઓલ્સો હમ લોગ યહાં કા રૂલ્સ પૂરા મેન્ટેન કર રહે હૈ, માસ્ક સુબહ સે શામ તક પહેનના હૈ, ઓર બાઉ એસા સબ ફિક્સ હૈ, સબ વહી રૂલ્સ મેન્ટેન કર રહા હું. ઉપર સે જો આદેશ હોયગા વહી હમ લોગ રૂલ્સ ફોલો કર રહે હૈ. ઓર યહાં કા વહાં હા યહાં મેં ભી યહાં મેં ભી ફર્સ્ટ ટાઈમ આને ટાઈમ મેં તો હમ લોગ થોડા દિક્કત હોતા હૈ રેન્ટ રખને, રેન્ટ રૂમ રેન્ટ કરને મેં ઓર સામાન લેને મેં સબ મેં દિક્કત હોતા હૈ. એકચુઅલી કમ જો ભી હો સબ મેં દિક્કત હોતા હૈ, તો હમ લોગ પેશન્ટલી વો દિક્કત સહ લેતા હૈ, ક્યુંકી કહાં જહાં પર જાયેગો તો હમ લોગ સંઘર્ષ તો કરના હૈ, ઇવન પ્રોફેશન દૂસરા હો તો ભી કરના હૈ, હમ લોગ એ કરના હૈ પૈસા કે લે, તો થોડો થોડો તો દિક્કત કરના સહ લેતા હૈ. ઓર વહાં મેં ભી પ્રોબ્લમ હો રહા હૈ,
तो हम लोग बिजनेस के लिए यहाँ आया है फैमिली के साथ, है ना। तो हाँ, लास्ट पिछले पहले पहले साल हो तो फैमिली के साथ आता हूँ, परिवार के साथ आता हूँ, क्योंकि बच्चा और बुरा माँ बुढ़ी थोड़ा ओल्ड लोग सब ले आता था। तो दिस टाइम कोरोना ड्यू टू कोरोना यानी फैमिली थोड़ा बच्चा और माता पिता लोग है ना घर में ही रखा है, सेफ्टी बहुत फिगर रहता है। वहाँ में कुछ होगा बोलते हम लोग फ़ोन करते हैं, वो लोग भी यहाँ बेफिक्र करते हैं ना, सब सब अभी फिगर करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही क्या बोलते हैं मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ का कस्टमर और यहाँ का पब्लिक बहुत अच्छा है, यहाँ का सोसाइटी AMC सब बहुत अच्छा है, और हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्पफुल है, हम लोग बहुत ये है बहुत ये धन्यवाद मानता हूँ मैं सभी दिलों से। हम लोग जवेरियन सब है ना उनका बहुत स्वभाव रहेगा, तो कोई नहीं कह सकता है वेदर अच्छा होता है, कोई कोई वेदर हॉट हो जाते हैं। तो जब कस्टमर ज़्यादा होते तो हम लोग है ना टाइमली में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि कस्टमर को डील करते हैं, क्योंकि कस्टमर तो भगवान जैसा होते हैं ना, तो वही के डील करते करते खाना तो भूख भी नहीं लगता है बाद में, लेकिन नहीं खाएगा तो बीमार हो जाते ना। तो लंच का तो दोपहर दो बजे तीन बजे खा लाता हूँ, सुबह सुबह 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है और ऐसा है ना थोड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन तकलीफ़ तो सह लेता हूँ हम लोग है ना। तो ऐसा ही है टाइम टाइम पे, कोई कोई कस्टमर कम हो तो हम लोग टाइम पे खाता हूँ, कस्टमर ज़्यादा हो तो हम कस्टमर को पहले डील करता हूँ, तो वही थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, ज़्यादा तो नहीं, हम लोग पेशेंटली सेल करते हैं, स्ट्रॉन्ग ना, वी हैव टू बी ब्रीफ ना। वहाँ तो बहुत ठंडा होता है, यहाँ थोड़ा मॉडरेट है, हम लोग हम तो इंडिया का यही मॉडरेट में इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ठंडा है तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तो टेम्परेचर मॉडरेट है ना, तो मुझे बहुत पसंद लगता है। और एक्चुअली ना अहमदाबाद तो बहुत सेफ्टी फील कर रहा हूँ मैं, एज अ वुमेन एज अ गर्ल मैं इंडिया दूसरे जगह में भी गया हूँ, मैं पढ़ा लिखा पढ़ाई किया है ना, तो मैंने एक्चुअली तो MA किया है, लेकिन फैमिली जॉब है ना फैमिली बिजनेस है, तो मैं यहाँ में मम्मी के साथ मदद करने के लिए आया हूँ। अभी ये तो मम्मी लोगों को ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं खाली सेल्स करने के लिए मदद करने आया हूँ, दूसरा सब तो मम्मी पापा लोग करते हैं ना। बचपन में जब ये बिजनेस में आते थे, जब ये सब नहीं था, कहीं भी बैठ के बिजनेस करना पड़ता, तो वो टाइम में ये कितना फर्क हो गया? ओ बहुत फर्क हो गया, उस टाइम में तो 1900 कुछ है ना, अभी तो 2000 हो गया ना, 2000 कुछ आ गया ना, उस टाइम में तो मम्मी लोग बहुत मेहनत करता था उधर, ऐसा होता है ना, अभी तो ये अच्छा हो गया, तो यहाँ मैं बहुत सेफ्टी कर रहा हूँ, यहाँ मैं गाँव बहुत सेफ्टी फील मुझे हो रहा है। वो टाइम परेशानी है कि पुलिस आए को तो थोड़ा जाना पड़ता है, माल भी पीछे ले आ के जाना, अभी इस टाइम भी थोड़ा माल तो पीछे ले आने, लेकिन ऐसा सेफ्टी फील रह रहा है ना वहाँ में, तो उस टाइम में तो सेफ्टी थोड़ा कम है ना, क्योंकि ऐसा ऐसा शॉप नहीं है ना इसलिए। कस्टमर तो बहुत अच्छे हैं, कस्टमर है ना 100 में से 99% बहुत अच्छा है सच में। मैं इंडिया दूसरा वाराणसी UP ऐसे सब में गया हूँ, लेकिन यहाँ इसका यहाँ का पब्लिक है ना ऐसे नहीं देखा हूँ मैं। 2 बजे 2:30 सुबह 2 बजे 3 बजे में ऐसा मैं अकेला आ सकता हूँ, कि दूसरा दिल्ली ऐसा वाराणसी ऐसे में जाएगा तो मैं नहीं जा सकता हूँ। यहाँ में तो वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छा है, और ऑल्सो यहाँ अहमदाबाद ड्राई प्लेस है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ कस्टमर है ना मोस्टली कस्टमर है ना इवनिंग है ना 12 बजे के बाद आने शुरू होते हैं, उस टाइम में थोड़ा भीड़ लेता है, सुबह में थोड़ा एक दो जो अर्जेंट हो जो ज़रूरी है ना वही आता है, तो आफ्टर लंच के बाद तो कस्टमर ज़्यादा आने शुरू होते हैं, और इवनिंग लास्ट रात को नाइट में ना 9 बजे ऐसे में थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं। घर ત્રણ ચાર મહિના છોડીને અને પહાડોમાં રહીને અહીંયા આવે છે, એ કંઈક ખરીદી કર વેચાણ કરવા માટે આવે છે, તો આપણે એમને પ્રોત્સાહન આપીએ, આ લોકો આપણા દેશના જ છે, ત્રિબેટીયનના જ છે અને આબી માણસ છે, તો અને 2 વર્ષથી કોરોનામાં એ લોકો ઘરમાં રહ્યા છે, અને મને અહીંયા ખરીદી કરવામાં સારો એવું છે, હું દર વર્ષે આવું છું અને સારી વસ્તુઓ છે અને સારી વસ્તુ મળે સારા ભાવમાં છે, અને આ લોકોને આપણે વસ્તુ અહીંયાથી લેવી હિતાવળ છે, કેમકે ભાવમાં બી રિઝનેબલ છે અને ફેક્સ રેટ છે, એટલે છેતરાવાનું છે નહીં અહીંયા આપણે ચહેરા ઉપર એક આપણે લોકો ખરીદી કરીએ ત્યારે એક આનંદનો ભાવ આવી રહ્યો છે કે ચલો ગુજરાતમાં ઇન્ડિયામાં લોકો ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે, તો એક એમનામાં એક ઉમંગ અને ઉત્સાહ આવી રહ્યો છે કે અમારી પ્રોડક્ટનું એ લોકો
खरीदी करे छे, तो आपणे लोकोने हूँ तो एक ज कहीश के आ जग्याथी खरीदी करे अने आ लोकोने प्रोत्साहित करे। तो निर्माण स्पेशलमां आ हती वात विस्थापित थयेला तिबेटन परिवारोनी। ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે, ત્યાં સુધી મને પંકજ સાધુને રજા આપશો, આવજો।